Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देश्या। गाजीपुर बॉर्डर पर अब फिर से महिला किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले लंबे समय से यहां पर पुरुष किसानों द्वारा खाना बनाया जा रहा था, मगर फिर से महिलाएं वापस आ गई हैं और चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची महिलाओं ने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है। महिलाओं का कहना है कि घर के साथ साथ आंदोलन की जिम्मेदारी भी निभा रही है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि 2 साल और आंदोलन चलाना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हम घर जाने वाले नहीं है। सरकार हमारी बात मान ले, हम उनकी मान लेंगे। शहर से आई महिला किसान रजनी ठाकुर का कहना है कि जब घर का कामकाज था तो घर पर चले गए थे, लेकिन अब सर्दी आते ही वापस आ गए हैं। इससे पहले पुरुष यहां पर खाना बना रहे थे, अब हम वापस आ गए हैं और खाना अब महिलाएं बनाएंगी। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड यहां पर पिछले काफी समय से थे, अब वह घर जाकर घर की जिम्मेदारी देखेंगे और उनके जगह मैं यहाँ पर मोर्चा संभालूंगी। सरकार हमारी बात मान ले, हम सरकार की बात मान लेंगे। जब तक जरूरत पड़ी तब तक बैठेंगे किसान। महिला किसान नरगिस ने कहा कि अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी है तो किसान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। हमें परेशानी बहुत है, घर भी चलाना पड़ता है, लेकिन आंदोलन भी देख रहे हैं। 1 साल से किसान रोड पर खड़ा हुआ है, मगर सरकार बात नहीं मान रही है। अब सर्दी आने से परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। हम आतंकवादी या उग्रवादी नहीं है, हम सिर्फ किसान है। महिला किसान नरगिस ने बताया कि सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई है, किसान का खाना यही है। हम इससे ये भी दर्शाना चाहते हैं कि सर्दी की तैयारी भी किसान पूरी तरह से करने में जुट गया है। महिला नरगिस ने बताया कि हमारे परिवार में 5 बच्चे हैं और पति पत्नी है। घर बच्चों के साथ साथ में आंदोलन भी संभाल रही हूं, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है तो भी हमारा जाने का कोई प्लान नहीं है। जी, मेरा नाम रजनी ठाकुर है, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ। जी, आप बताइए, यहाँ पर आए हैं, क्या कहना है आपका किसान आंदोलन को लेकर और वापस अब सभी किसान महिलाएं आने लगी हैं, तो क्या कहेंगे पूरे मामले पर? हम क्या कहेंगे, हम तो वही कहेंगे कि हमने बीच में थोड़ा कामकाज में रहे थे, बाद बाकी अब आंदोलन में अच्छी तरह से ध्यान है हमारा जी। अच्छे से आ रहे हैं और भी महिला काफी आ रही है, तो ऐसा महिलाओं के पास में 2 ऑप्शन होते, अपना घर भी संभालना होता और बाहर भी, तो कुछ महिला आ जाती है, कुछ चली जाती है, कुछ आ जाती है, अपना घर कुछ समय के लिए घर संभाल लेती है और कुछ समय के लिए यहाँ पर आ जाती है। वही मैं पूछना चाह रहा था, अगला सवाल ये था कि कैसे मैनेज कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने तस्वीर देखी थी कि चूल्हा लेकर महिलाएं यहाँ पर मौजूद रहती थी, तो क्या एक बार फिर से वही तस्वीर आने वाली है? यहाँ पर कितनी महिलाएं आ रही है, कैसे घर मैनेज, कैसे किसान आंदोलन मैनेज कर रही है? मैनेज करने में दिक्कत तो हो रही है, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा वो, लेकिन हम दोनों चीज कर रहे हैं ना आराम से। मैरिज अब हम आ गए तो अपने हस्बैंड को घर छोड़ते हैं, अब हस्बैंड घर यहाँ पे आ जाते तो हम घर रहते, ऐसा हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक रहेंगे। थोड़ा अपना अंत में परिचय दीजिए, नाम के साथ कहाँ से आए हैं ये बताइए। मेरा नाम रजनी ठाकुर है, मैं जिला बुलंदशहर से, तहसील से आना, ब्लॉक जहीराबाद से आंदोलन को सहयोग देने आई हूँ। सरकार हमारी मान ले, हम सरकार की मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बहन जी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नरगिस है। कहाँ से आई हैं थोड़ा बता दीजिए। जिला बुलंदशहर। आंदोलन के बारे में बताइए कि महिलाएं घर भी संभाल रही हैं, आंदोलन भी संभाल रही हैं, फिर से ये तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पर कि चूल्हा वापस आ रहा है, महिलाएं चूल्हा जला रही हैं, अभी पुरुष संभाल रहे थे कुछ समय से, तो क्या पूरा आपका कहना है? ये सब कुछ सही है, जो भी आप सुन रहे हो वो सब कुछ सही है। अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है तो किसान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ, आप ही समझ लें। परेशानी बहुत है, घर भी करना है, यहाँ भी करना है, घर भी देखना है, वहाँ भी देखना है, लेकिन सरकार को कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए। क्या लोग परेशान हैं, रोड पे पड़े हैं, कम से कम 1 साल हो गई है इन्हें पड़े पड़े पड़े, इस परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, अपने घर से भी खर्च कर रहे हैं, रोडों पे पड़े हैं, वक्त जाड़े का है। और मेरा मानना तो यही है कि सरकार अपने राज्य राज्य प्यार से मान जाए तो हम भी माने हुए, हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, कोई जिरे पैसे नहीं है, हम कोई आतंकी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं, इससे कोई भी हमारा लेना देना ही नहीं। अच्छा ये बता दीजिए, आज खाने में हमने देखा साग बन रहा है, तो कुछ खास, आज एसकेएम की बैठक भी है, तो कुछ खास आप कहना चाहेंगे इस संबंध में, क्या बन रहा है थोड़ा वो भी बताते हैं साथ में। जी, साग और मक्के की रोटी बनी है, जो लोगों को ठंड में पसंद होती है, किसान का खाना ही ये है, तो इससे ये समझे कि सर्दी की तैयारी भी अब किसान कर रहा है यहाँ पर, पक्का डन कर रहा।
अच्छा, आप परिवार भी मैनेज कर रही हैं और फिर आंदोलन भी, कौन है कौन है परिवार में आपके, कौन कौन है थोड़ा वो बताते हुए बता दीजिए। जी, परिवार में 5 बच्चे हैं और अपने मियाँ बीवी हैं हम, ऐसा कुछ नहीं, काफी बड़ा परिवार है, लेकिन यहाँ भी संभालना पड़ता है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। जब तक भी वो चाहें जब तक ही हम डटे हुए रहेंगे, ये हमारा कहना है। अगर वो नहीं माने 1 साल 2 साल 10 साल तो भी हमारा कोई जाने का प्लान नहीं है, आप ये समझ लें, तो हम भी ऐसे रहेंगे और क्या है। वो रोडों पे तो सरकार ने लाई दिया और रोड पे बैठना हमारा निश्चिंत है। क्या सरकार को शर्म नहीं आती, उसे लिहाज नहीं आती कि उसके घर में बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कि लेडीज रोडों पे, लेडीज का रहना घर का होता, कोई रोडों का थोड़ी होता, पर उसे खुद भी तो नहीं शर्म आनी चाहिए। तो मेरा तो मानना यही है कि जब तक ये अपनी जीत पा रहे हुए, जब तभी तक हम अपनी जीत पा रहे हुए। ऑडियो जंगल।